नमस्ते, कैसे आप सब लोग। किसी इंसान को आपसे नफरत है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी जो नफरत है वो प्यार में बदल जाए, आपके लिए इज्जत में बदल जाए, सामने वाला उस नफरत को हटा करके आपको देखे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर सामने वाले इंसान को आपसे नफरत हो गई है तो उस नफरत को हटा करके आपको देखना शुरू कर सकता है। कुछ चीज़ें आज मैं शेयर करने वाली हूँ जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सामने वाला इंसान अपने मन से आपके लिए नफरत को हटा करके आपको देखना शुरू कर देगा। तो अगर सामने वाले इंसान को आपसे नफरत हो गई है तो आपको सबसे पहले ये एक पॉइंट के ऊपर ध्यान लेके जाना है कि क्या ऐसा रीज़न है, वो ऐसी कौन सी वाली वजह है, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को आपसे नफरत हो गई है। अब यहाँ पर आपके पास अपना कोई एक पॉइंट होगा, कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी। आपको पता है कि इस वजह से सामने वाले इंसान को मुझसे नफरत हो गई है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत टाइम से एक रिलेशन चल रहा है, चलते चलते लड़ाइयाँ होते होते, खटास पड़ते पड़ते, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को दूसरे इंसान से प्यार होने की बजाय नफरत हो जाती है। वही प्यार वाला रिश्ता आज नफरत में बदल गया होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी उसको नफरत हो गई होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है कि हम नेगेटिव चर्चा करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक माहौल नेगेटिव बन जाता है जिसकी वजह से सामने वाले की नज़रों पर एक नेगेटिविटी का पर्दा यानी कि एक नफरत का पर्दा चढ़ जाता है। तो आपको पहले तो रीज़न निकालना है कि भाई ऐसी क्या वजह है। अब उस वजह पर ना लग करके 6 महीने चुप होकर के काम कीजिए। अगर तो वजह ये है कि आप बहुत नेगेटिव रहे हैं, आप हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव, कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, हमेशा डाउन फील करते रहना और धीरे धीरे करके वो डाउन ही सामने वाले को भी फील करवा देना, सामने वाले से बार 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 समय की मांग करते रहना, कोई एक चीज़ कहते रहना करने के लिए, लेकिन सामने वाला इसी बात को लेकर के इतना इरिटेट हो गया कि उसको लग रहा है कि यार मुझे तो तुमसे ना नफरत हो गई है। टेंशन मत लीजिए, वो सिर्फ बोल रहा है, एक शब्द ही तो है ना नफरत। नफरत सिर्फ एक शब्द है, बिल्कुल ऐसे ही प्यार की तरह से। लेकिन अगर हम इसके पीछे की फीलिंग या इसके पीछे की कोई वजह या रीजंस देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रीज़न निकल करके आ जाता है। कई बार हम ही इतना ज़्यादा फोर्स कर देते हैं, कई बार हम ही इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को थोपने लग जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि नहीं हो रहा, अभी नफरत जैसी लग रही है। तो उस चीज़ को ना अपने आप को 6 महीने छुपा दो, एकदम छुपा दो, आइसोलेट कर दो कि सामने वाले को आप कहीं से भी दिखाई ना दो, सब जगह से ना अपने आप को पीछे कर लो और अब उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई कमी है, वो अंदर से आपके भी नेगेटिविटी निकल रही है, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे आपकी ग्रोथ के साथ में। अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस रेडी करिए, अगले 6 महीने लग करके अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए। 6 महीने के बाद में आप अपने आप को कहाँ और कैसे देख सकते हैं उस देखने पर काम कीजिए, अपने ऊपर क्या क्या किस किस लेवल पे काम कर सकते हैं उस लेवल पे काम करिए। शारीरिक लेवल पे 100% काम कीजिए, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ होगी जो 6 महीने के बाद उस इंसान को दिखाई देगी। जैसे ही आप अपनी कोई भी पोस्ट, अपनी कोई भी चीज़ डालेंगे और सामने वाले के लिए आप जब ऐसे रखेंगे कि हाँ वो भी देख सकता है, तो सामने वाला इंसान आपको देख करके एक बार को तो ज़रूर सोचेगा ही सोचेगा ना कि इतने टाइम से कुछ नहीं दिखा, आज अचानक सडनली। इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है और सामने वाले का मन आपके लिए बदलने लगता है, पॉजिटिव हो जाता है सामने वाला। अगर वो जो पर्सनैलिटी है आप बनाते हैं अपनी, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को, सारी चुटुर पुटुर बातों को, सारी वो जो भी नेगेटिविटी अभी तक घटी है और उस नेगेटिविटी की वजह से आप ये सामना करने लगे हैं आपकी सामने वाले को आपसे नफरत हो गई है, तो उस नेगेटिविटी को हम पीछे जाके, पर्दे के पीछे जाके अपने ऊपर काम करेंगे लगातार। अपने शारीरिक लेवल पे सबसे पहला पॉइंट है, अगर अपने शरीर को खराब कर लिया है, अपनी शक्ल को खराब कर लिया है, अपनी आंखों के नीचे एकदम काले घेरे बना दिए क्योंकि आप रोए जा रहे हो सामने वाले को बताने के लिए, करे जा रहे हो, इससे सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा बल्कि आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और चांसेस ये हो जाएंगे कि और ज्यादा उसकी नफरत बढ़ गई क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल रही है और आप उसे दे रहे हैं।
पीछे होइए, 6 महीना शांति से अपने ऊपर काम कीजिए, सामने वाले की आंखों के सामने से बिल्कुल ओझल हो जाइए, खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज आएगी जो कि कमेंट सेक्शन में पूछी जाएगी, अगर हम उनके सामने रहते हैं तो आप मेंटली उनसे 6 मंथ के लिए गायब हो जाइए, जो कि मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है। फिजिकल तो फिर भी आसान है कि हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया, हमने वहां से छुपा दिया, या फिर हमने इस तरीके के पोस्ट डाले कि बाकी सब देख सकते हैं पर सामने वाला इंसान नहीं देख सकता है, वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल रूप में हम किसी के साथ में हैं तो आपको अपने लिए फिर कोई ना कोई ऑप्शन निकालना पड़ेगा, और आपको ये देखना होगा कि मैं मेंटली कैसे यहाँ से आइसोलेट हो सकती हूँ, कैसे गायब हो सकती हूँ, कैसे गायब हो सकता हूँ, और अपने ऊपर गायब होते हुए मेंटल तौर पर काम कर सकती हूँ। आप इसके अलावा जैसे सामने हैं तो ऐसी कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं कि आप अपने शारीरिक लेवल पर काम करने लगें, बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें दिखाए, बिना उन्हें कुछ भी शो किए, कि आप वर्कआउट्स ले सकते हैं, घर में ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, छुप करके भी ये काम जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई चोरी नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, आप अपने शरीर को बनाने के लिए कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत काम नहीं होता है, ठीक है। आप योगा कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि 6 महीने के बाद आपका जो शरीर निकल करके आएगा वो खुद ही बोल रहा होगा, और ये आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। 5-5, 10-10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए, और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए अगले 6 महीने तक लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। सामने वाले इंसान के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, प्यार के बारे में सोचिए, प्यार की बातें करिए अपने आप से, सेल्फ टॉक में। सामने वाले को अब आपको कुछ नहीं समझाना है, सामने वाले को आपको कुछ नहीं बताना है, सामने वाले को कोई शिक्षा नहीं देनी है, सामने वाले को कोई ज्ञान नहीं देना है। सामने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बाबा है, मुझे उसको कुछ नहीं देना है। सामने वाली इस दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञानी है, मेरे को उसको कुछ नहीं देना है। मुझे इस वक्त क्या करना है, खुद पर काम करना है, अपने शारीरिक लेवल पे काम करना है, अपने मानसिक लेवल पे काम करना है, और 6 महीने के बाद में सामने वाला इंसान खुद ब खुद आकर के मुझसे बात करेगा। इस बीच आपको ना तो कोई नेगेटिव एक्शन लेना है कि जाओ मैं 6 महीने तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ मैं 6 महीने तुमसे बात नहीं करूंगा, अब तुम देखना 6 महीने के बाद में तुमको तुम्हारी लाइफ दिखा, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको शांति से एकदम अपने मन को शांत करते हुए दूर हो जाना है बस। कुछ लोगों को मेंटल रूप में होना पड़ेगा, कुछ लोगों को फिजिकली एंड मेंटली दोनों करने का भैया फायदा मिल जाएगा, जो लोग कर सकते हैं बिना ये डर किए मैंने अगर ऐसा कर दिया 6 महीने तो मुझे भूल ही जाएगा। अगर आपके माइंड में ऐसा है तो वो पहले ही भूला हुआ है, फिर आपने पहले से ये मैनिफेस्ट किया हुआ है। आपको ये सोचना होता है मैं वो चीज नहीं हूँ भाई कि तू बस मैं तुम्हारी लाइफ में आई कुछ साल रहे, मैं तुम्हारी लाइफ में आया कुछ साल रहे और तुम मुझे भूल गए, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। हम पूरी दुनिया भूल गए क्या? 2 साल तक कोविड रहा, पूरा लॉकडाउन रहा, हम सब कुछ भूल गए क्या? हम ट्रैवल करना भूल गए, हम गाड़ियां चलाना भूल गए, हम सारी चीजें भूल गए, हम जी रहे हैं ना, वापस वो लाइफ शुरू हुई ना, कोई कुछ नहीं भूलता, सब कुछ चलता है, बस हमें अपने आप से उस चीज के ऊपर ना कंटिन्यू काम करना होता है नेगेटिव सोचे बिना। अगर हम ही ऐसे हैं वो तो मुझे भूल ही जाएगा, फिर समझ लीजिए दम ही नहीं था, पहले दिन से ही दम नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आपके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं है। जिसके अंदर सेल्फ लव होगा बोले भैया इतनी सस्ती मद्दी चीज है क्या कि बस आए और भूल गए, ऐसा होता है क्या? कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लेवल पे, मेरे ऊपर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपका ये वाला ग्राफ बढ़ता है ना, फिर आप इस तरीके का डायलॉग मारना बंद कर देते हैं, उसको कोई और मिल गया तो, उसको कोई और मिल गई तो, 6 महीने हाय मैंने उससे बात नहीं करी, हाय उसकी तो लाइफ में कोई आ जाएगा, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो आप अपने आप को खुद ही कहीं नहीं आते उसकी लाइफ में, फिर आपके हिसाब से वही इस दुनिया की सबसे बड़ी तोप और आप एकदम फुसी बम। कम ऑन, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। यू आर पावरफुल, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, यू आर अ मिराकुलस सोल, आप पावरफुल हैं, आप डिवाइन हैं, लेकिन वो पहले आपको ही देखना पड़ेगा ना, मेरे बोलने से कितनी देर काम चलेगा, जितनी देर ये वीडियो चल रहा है उतनी देर आपको अपने ऊपर काम करना होगा। बोलो भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, याद तो मैं रहूंगी तुम्हें, 6 महीने क्या 6 साल में निकल जाऊं यहां से, और उसके बाद जो मैं बन करके आई, उसके बाद जो मैं तुम्हें दिखी, उसके बाद जो मैं तुम्हें दिखा, भाई हालत खराब होने वाली है भाई, सोच लेना। क्योंकि ये जो गैप है ना, ये उस इंसान की नेगेटिविटी को भी कम करेगा, लेकिन अगर आप ये गैप ही नहीं लेके आओगे,
अभी सोचोगे ऐसो गितो, फिर तो यार वही होगा, फिर तो क्या कर सकते हैं। फिर आपने भी तो मनी मन में डिसाइड करके रखा है ना कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, फिर हो ही जाने दो, फिर क्या करना है। लेकिन अगर करना है तो फिर ठान के करो। अपने अपने देखिए ख्याल, अपने से जो ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।